5000 कम से कम फौज में भर्ती होते थे हमारे जवान। अग्निवीर आने के बाद वो नंबर रह गया 350-400। बाकी बच्चे क्या करेंगे, 4 साल नौकरी पीटो और घर आ जाओ। अब ये कह रहे हैं हम रिजर्वेशन देंगे। रिजर्वेशन तो वैसे ही है। अरे रिजर्वेशन क्या जरूरत है, उनका रेगुलर भर्ती करो जैसे पहले होती थी, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, अपने आप के भविष्य को सुरक्षित हो, पेंशन हो, शहीदी का दर्जा मिले। तो ये काम, तो मैं तो आपसे यही कहने आया हूँ कि भाई आप जो है 36 बिरादरी फैसला कर चुकी है, आप सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को वोट दो। हरियाणा में कांग्रेस सरकार 36 बिरादरी ने फैसला कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। ये क्यों हुआ है, क्या कारण है? इसका कारण ये है कि लोगों ने 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार, हमारी सरकार के कार्य देखे, उपलब्धियां देखी, और 14 से लेकर 24 तक जो है इस सरकार की विफलताएं देखी। जिस दिन हमने सरकार छोड़ी 2014 में, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर एक था। और आज 10 साल के बाद, 14 से 24 के बाद आज नंबर एक किस चीज में हो गया, बेरोजगारी में, महंगाई में और कानून व्यवस्था की स्थिति यह है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स आता है, वो निकालते हुए किस प्रदेश में क्या है, हरियाणा को असुरक्षित बता रखे, यहाँ कोई सुरक्षा नहीं, चरमरा आ गई, रोज फिरौतियां मांगती है, डाके पड़ते हैं, बलात्कार होते हैं, कत्ल होते हैं, बहन बेटियों की इज्जत नहीं है, ये सब देखा। और खेल खिलाड़ी का देख लो, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हरियाणा का नाम दुनिया में कहा, उनको आज तक न्याय नहीं मिला। तो ये सरकार जो है बिल्कुल समय आ गया इस सरकार को चलता करना। अब सवाल इस बात का है, ये तो आप कह रहे हो, आप मान भी रहे हो, बुलाऊं जो हर दिल की धड़कन है, हर दिल में बसेरा करता है, सबके दुख को हरण करता है, सबकी सुनता है, सबका विकास करता है। आज तक हरियाणा में अनेकों ऐसे कार्य है जो इस समय मील का पत्थर साबित हुए हैं। आप लोगों ने बीजेपी का 10 साल का शासन देखा है साथियों, इस 10 साल के शासन में बीजेपी के भाई 10 काम भी नहीं गिना सकते। उन्होंने क्या किया, जो काम हमने किया था, जो सड़कें हमने बनाई थी, बीजेपी के लोग इनकी रिपेयर भी नहीं कर सके इस समय में। आज प्रदेश की जनता